ये सुलेख की जो वीडियोस मैंने तैयार की हैं उसमें मैं एक बात तो बताना भूल ही गया कि जब हम स्कूल में थे तो हमें होमवर्क मिला करता था। ये जो समर वेकेशन वगैरह होती थी, तो जैसे 50 दिन की समर वेकेशन है तो समर वेकेशन में हर एक दिन के लिए हमें एक पन्ना कलम और दवात से, कलम और स्याही से इस लिखना होता था हिंदी और पंजाबी में। जैसे एक दिन में ये, अगले दिन ये, तो जैसे 50 दिन की है तो 50 पेज हमारे से वो टीचर्स गिन के देखते थे छुट्टियों के बाद। और इंग्लिश में तो हमें उसमें ही लिखना पड़ता था, इसमें सिंपल जो निब वाला होल्डर है, वो भी मैं कल कोशिश करूँगा कि उससे भी लिख के आपको एक बार दिखाया जाए। तो अच्छा लगता था, उससे काफ़ी प्रैक्टिस हो जाती थी और छुट्टियों का टाइम भी बढ़िया पास हो जाता था। और वो भी झंझट नहीं कि जैसे छुट्टियों में होता है कि सारे बच्चे एक ही दिन में सारा काम कर लेंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा हम एक दिन में 2 या 3 पन्ने ही लिख पाएंगे अगर बैकलॉग रहेगा भी तो इसलिए वो काफ़ी प्रैक्टिस उसमें हो जाती थी। और ये तो मैं बड़े ही उस पे रजिस्टर पे लिख रहा हूँ, पर वो जो हमें स्कूल में होता था वो छोटी नोटबुक पे ही, कुछ भी लिखो उसमें, चाहे कुछ अपनी न्यूज़पेपर में से देख के लिखो या अपनी टेक्स्ट बुक में से ही कुछ एक पैराग्राफ लिख लो, तो वो हमें लिखना होता था। अभी भी बच्चे अगर चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हैंडराइटिंग को सुलेख बनाने के लिए मेरे विचार में तो इससे बढ़िया कोई और उपाय है नहीं। बाकी तो ये बात है कि ये जो है करने से ही आएगा, ये तो कोशिश करनी चाहिए।